चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अभी कंपनी लॉ में हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? डायरेक्टर। डायरेक्टर चैप्टर का नाम बताइए। एक बार और। तीन बार नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, डायरेक्टर के बारे में इंट्रो हो चुका है, अब हमें पढ़ना है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। आइए सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्वालिफिकेशन। चलो हेडिंग बोलो, हु कैन बी अ डायरेक्टर या क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। क्या हम इसको डूज कह सकते हैं? क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा होना चाहिए, यही मतलब है ना, ऐसा होना चाहिए। तो सबसे अजीब बात है, देखिए ब्रेक के बाद ये क्लास है, पहला मजाक हो गया। अब पहला मजाक किसने किया है? कंपनी एक्ट ने। इतना बड़ा हेडिंग बनाया और लिखा कंपनी एक्ट में कहीं कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिखा गया, मतलब कंपनी एक्ट में क्वालिफिकेशन लिखा ही गया नहीं है। तो कहा सर क्वालिफिकेशन नहीं लिखा गया है तो फिर उसका कारण है, एक बार बताइए। सुनिए दर्शन, हर कंपनी का बिजनेस अलग अलग है, अलग अलग बिजनेस वाले कंपनी को अलग अलग क्वालिटी वाले डायरेक्टर चाहिए, तो कंपनी लॉ कैसे लिख देगा क्वालिफिकेशन? सही बात बोलना कि नहीं बोलना पहले बताइए। जैसे मान लो कि मेरा कोचिंग इंडस्ट्री है, अगर मैं किसी को डायरेक्टर बनाऊंगा तो मैं कहूंगा कि चूंकि मेरा कोचिंग ओनली फॉर सीएस है तो सीएस ही होने चाहिए। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी होगी तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस वाले को डायरेक्टर बनाएंगे। कोई शेयर मार्केट की कंपनी होगी तो शेयर मार्केट वाले लोगों को क्या बनाएंगे? डायरेक्टर बनाएंगे। तो भाई कंपनी एक्ट कैसे बताएगा कि डायरेक्टर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? वो तो हर कंपनी टू कंपनी क्या करेगा, वेरी करेगा। ऐसे भी डायरेक्टर जो है वो कंपनी का एजेंट है, तो प्रिंसिपल को सोचने दो कि उसको किस क्वालिटी का डायरेक्टर चाहिए। तो इसलिए क्वालिफिकेशन कंपनी लॉ में लिखा गया नहीं है। तो कहा सर क्वालिफिकेशन नहीं लिखा गया है तो किसी भी ऐरे गहरे नथु गहरे को डायरेक्टर बना लेंगे आप? यस, अगर आपको ऐरा गहरा नथु गहरा चलता है तो रख लो, सीधी सी बात है ना भाई। कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को डिसाइड करना है कि उसको कैसा आदमी डायरेक्टर चाहिए, तो कंपनी एक्ट कैसे बताएगा कि डायरेक्टर का क्वालिटी क्या होना चाहिए, है कि नहीं? तो देयर इज नो क्वालिफिकेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। हाँ अच्छा, इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं दिया है लेकिन डिसक्वालिफिकेशन जरूर दिया। डिसक्वालिफिकेशन का मतलब डूज है या डोंट? डोंट्स का मतलब आप इस लिस्ट में फॉल करने नहीं चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो कंपनी एक्ट के अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है पर डिसक्वालिफिकेशन है। देखो जब ये कहते हैं ना कि कंपनी एक्ट ने क्वालिफिकेशन नहीं दिया है तो इसका मतलब क्वालिफिकेशन के लिए ओपन एंडेड है। जब चीजें बहुत बड़ी हो जाए, जब जनरल रूल बहुत बड़ा हो जाए तो हमें एक्सेप्शन याद रखना चाहिए, और ये क्या है? एक्सेप्शन। बस आप डिसक्वालिफिकेशन में नहीं फंसने चाहिए। अगर आप डिसक्वालिफिकेशन में फंस गए तो आप डायरेक्टर का इंटरव्यू भी नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आप डिसक्वालिफिकेशन में नहीं फंसे तो आप डायरेक्टर का इंटरव्यू देने जाओ, अगर उन कंपनी वाले को आप पसंद आएंगे तो वो आपको डायरेक्टर बना लें। क्लियर है कि नहीं क्लियर पहले बताइए। तो बताइए कंपनी एक्ट में क्वालिफिकेशन है क्या? ना, डिसक्वालिफिकेशन जरूर दिया है। तो इन्होंने पॉजिटिव लिस्ट बताया या नेगेटिव लिस्ट बताया? इन्होंने नेगेटिव लिस्ट बताया। क्या बताया है? नेगेटिव लिस्ट, है ना, क्लियर है। चलो भाई, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो गया, क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन? डिसक्वालिफिकेशन, 5-स्टार रेटिंग। ठीक है, अब आपको बताता हूं, जरा देखना तुम, जो डिसक्वालिफिकेशन है ऑफ डायरेक्टर, जरा बताइए तो ये कहां दिया गया? इसके दो लिस्ट मिलेंगे आपको, एक मिलेगा 164 सबसेक्शन 1 का लिस्ट और एक मिलेगा सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 का लिस्ट। ये फैन बंद कर दो, 164 सबसेक्शन 1 एंड 164 सबसेक्शन 2, जरा ढूंढ के निकालो। तो 164 सबसेक्शन 1 में कितने पॉइंट्स हैं? ए बी सी डी है, 1, 2, 3 है। ए बी सी डी कहां तक है? एच तक है, तो सब मिला कितने? 8 ग्राउंड्स, यही है। और 164 सबसेक्शन 2 में जाओगे तो 2 ग्राउंड्स होंगे, मिला। तो पहले ऊपर ऊपर मैंने बता दिया, अब मैं एक एक करके पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। चलो जल्दी से इसे उतार लो। तो डिसक्वालिफिकेशन हमें मिलता 164 सबसेक्शन 1, 164 सबसेक्शन 2।
लिख लिया, लिख लिया। चलो पहले स्टार्ट करेंगे 164 सबसेक्शन 1। जो बच्चा दोनों लिस्ट आज मुझे सुना गया, मेरे तरफ से उसको कहा जाता, जब इंसान ज्यादा खुश हो ना तो उसको वादा नहीं करना चाहिए, और जब ज्यादा दुखी हो ना तो उसको किसी को क्या बोलते हैं उसको क्या बद्दुआ नहीं देना चाहिए। तो मैं ज्यादा खुश हो रहा था, अभी मेरे मुंह से कहीं एमजी हेक्टर निकल गया होता और बच्चा बता गया होता तो दो दिन की मेरी एमजी एक्टर होती, बाकी तो तुम ही लोग चलाते, फिर मैं तुम्हारा रील देखता, है कि नहीं। तो मैं बता रहा हूं, जिन बच्चों ने ये दोनों लिस्ट जस का तस मुझे सुना दिया उसको मेरे तरफ से मिलेगा दुआएं। क्या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, दुआ करने वाले बहुत लोग हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक दीजिए, है ना। अच्छा चलो गिफ्ट मिलेगा, कोमल गिफ्ट है ना, हाँ गिफ्ट है, गिफ्ट बहुत सारा है, ठीक। चलिए ये लिख लिया, तो बस आंखों में लालच लप लप रखे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, देखिए गिफ्ट होगा आपका, है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं भाई, सुनिए 164 सबसेक्शन 1 में कितने ग्राउंड्स हैं, और ऐसे मोटा मोटा 8 लिखो, लिख दिया। इससे क्या होता है ना, एग्जाम में जब रिवीजन करते हैं ना तो पेज पे ऊपर से ही दिख जाता है कितने ग्राउंड्स हैं, 8 लिख दिया, इससे किसे 8 ऐसे। आइए सबसे पहले कोई भी आदमी अगर नीचे लिखे गए 8 ग्राउंड में फंसा तो ही इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, ठीक है। पहला, आप मालूम चला पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है। अच्छा, हमारे आपके कहने से अनसाउंड माइंड, हम तो हर किसी को अनसाउंड माइंड कहते हैं, हम लोग जो हमारी बात नहीं समझते कहते पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है। हाँ, कोर्ट से डिक्लेयर्ड होना चाहिए, हमारे आपके कहने से थोड़ी चलेगा, कहां से डिक्लेयर्ड होना चाहिए, कोर्ट से डिक्लेयर्ड होना चाहिए। पहला पॉइंट याद रहा, बस गिफ्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हो तुम लोग, एक पॉइंट याद हो गया ना। चलो दूसरा, आप हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, लिख लेना ब्रैकेट में हिंदी में, कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है लेकिन अभी वो अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हुआ नहीं है। लिखो, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है लेकिन अभी वो अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हुआ नहीं है, ठीक है। वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है लेकिन अपनी लाइबिलिटी से अभी डिस्चार्ज हुआ नहीं है, इसका मतलब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के बावजूद उसके एसेट्स पूरे बिके नहीं है, पूरी लाइबिलिटीज अभी पे ऑफ हुई नहीं है, तो इसका मतलब उसकी इंसॉल्वेंसी अभी चल ही रही है। बात समझ में आ गया, ये गिफ्ट का भोग लगा दिया है तुम लोग को मैंने, अब बस इसको अपना बना लो। क्या बना लो? अपना बना लो। बनाओगे ना अपना, काम छीन लेंगे आपसे। चलिए तो बताओ, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कौन होता है, क्या ये इंसॉल्वेंट है? यस, लेकिन अभी इसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है, अभी वो अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हुआ नहीं है। तो बोलो जल्दी से, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या होता है, अपने मुंह से बोलो। इंसॉल्वेंट है लेकिन अभी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है, अपने लाइबिलिटी से अभी डिस्चार्ज हुआ नहीं, तो नाम क्या हो गया, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, याद रहेगा। चलिए जी, तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को आप डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है वो डायरेक्टर बन सकता है। यस, जब एक आदमी अपने लाइबिलिटी से मुक्त हो जाता है तो जीरो रुपए से नई जिंदगी स्टार्ट करता है, तो भाई अब तुम उसको कहोगे डायरेक्टर भी बनने नहीं दूंगा तो नई जिंदगी स्टार्ट कैसे करेगा। हाँ, लेकिन जब तक आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तब तक आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, हर चीज का कॉन्सेप्ट ही बताता चल रहा हूं, आगे बढ़े। तीसरा, तुमने कोर्ट को अप्लीकेशन लगाया है कि साहब हमें दिवाली के दिन दिवालिया घोषित कर दीजिए, मतलब मजाक कर रहा हूं, मतलब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए, क्या डिक्लेयर कर दीजिए, इंसॉल्वेंट, और उसका अप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, इसका मतलब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब मामला ठीक नहीं है। इंसॉल्वेंट वही होता है ना जिसकी लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है, एसेट्स कम, अरे वही होता है ना, तो इसका मतलब ऐसे ये आदमी पैसे के मामले में ज्यादा ठीक नहीं है, इसके लाइबिलिटीज हो गए हैं ज्यादा, असेट्स हो गए हैं कम, हालात हो गए हैं दिवालिया घोषित होने के, तो ऐसे कंपनी को अगर डायरेक्टर बनाओगे तो कंपनी को भी बाद में क्या कर देगा ये, इंसॉल्वेंट। तो तीन तो याद हो गया तुम लोग को, क्यों ना मैं खुद याद करता चलूं और गिफ्ट लेता चलूं, है ना।
देखो जाएगा कि नहीं। हाँ, वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, कोर्ट से डिक्लेयर्ड है। दूसरा, वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, वो इंसॉल्वेंट होने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट को लगाया पर एप्लीकेशन पेंडिंग है। अभी इतना बाकी है, अगर मैं सब बता गया तो ये मेरा हो जाएगा। कैसा रहेगा बताओ, एकदम ऐसे लालच लालची होने का। चलिए डी पॉइंट। डी पॉइंट में बहुत सारे कंडीशन है। पहला कंडीशन, तुम कोर्ट से कन्विक्ट हुए हो। नंबर वन, नंबर वन लिखो, नंबर वन लिखो, कन्विक्ट हुए हो पॉकेट मारी के केस में कि मोरल टर्पिट्यूड से जुड़े हुए केस में। मोरल टर्पिट्यूड या उसके जैसा। मोरल टर्पिट्यूड का मतलब तो होता है नैतिकता के आधार पे। मॉरली, मॉरली को क्या बोलते हैं हिंदी में, नैतिकता ही बोलते हैं ना, नैतिकता के आधार पे। सुनिए, दो तरीके के ऑफेंस होते हैं। एक होता है नॉर्मल ऑफेंस, जैसे एग्जांपल देखिए, इधर देखिए, ये बच्ची पॉकेट मारी करते हुए पकड़ी गई, सर इसके बगल में फोटो खिंचवाने आए, सर का पर्स निकाल ली पीछे से, ठीक है। सुनिए, हाँ, पॉकेट मारी की थोड़ा बहुत की मतलब, तो इतना भी मॉरली उतनी बुरी नहीं है कि इसको लोग पत्थर मारे, इसको लोग ये बोले कि ये समाज में रहने लायक नहीं है, इतना भी नहीं। अब मैं दूसरा का एग्जाम्पल नहीं लूंगा, किसी बच्चे का, कोई और मालूम चला हत्या के केस में फंसा है, तब हत्या तो बहुत बुरा है। रेप के केस में फंसा है, रेप तो बहुत बुरा है। अब ऐसी चीजों से पता चलता है कि आप मॉरली सही इंसान नहीं। और याद रखना, जो मॉरली सही नहीं है वो कहीं सही नहीं है। आप एक चीज देखिएगा, दुनिया में कुछ लोग अंदर से ही हिले हुए होते हैं, उसको कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो वो अच्छा होगा ही नहीं। कुत्ते के पूंछ की तरह होते हैं, नहीं होते हैं वो सीधे कभी होते। सच में कुछ लोग मिलेंगे आपको, आप बहुत कोशिश कर लो उसको समझाने का, 10 दिन ठीक रहेगा, 11वां दिन चोरी कर लेगा जी। इसमें सबसे नंबर वन पर शराबी सब आता है। हाँ, आप 10 दिन बोले, 10 दिन छोड़ देगा, 11वां दिन फिर पी लेगा। तो कुछ लोग नैतिकता के आधार पे ही गलत होते हैं, जो मॉरली है वो कुछ भी गलत कर सकते हैं। जो अंदर से बुरा है वो तो कब बुरा बन जाए उसका कोई ठीक नहीं है। तो डायरेक्टर में भी जाके गलत काम करेगा फिर, मतलब कंपनी में भी जाके गलत काम करेगा वो। अगला, अच्छा सुनिए, मॉरल टर्पिट्यूड के केस में फंसे हैं और आपको कम से कम 6 महीने की जेल हुई है। नंबर तीन, याद रखना, ये डी पॉइंट में तुम डिस्क्वालिफाइड तब होगे जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पहला क्या था, आप कन्विक्ट हुए हैं कोर्ट से, मॉरल टर्पिट्यूड के केस में हुए हैं और कम से कम जेल 6 महीने की तो हुई है। और अच्छा सुनो, और जेल काटे हुए, मतलब जेल काटना समझते हो, मतलब सजा काटना, सजा काटे हुए अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। इसका मतलब आप यहां डिस्क्वालिफाइड कितने दिन तक रहते हैं, 5 साल तक, 5 साल के बाद फिर क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो इसका मतलब, मैंने मालूम चला किसी से पूछा कि कौन से केस में फंसे हो भाई, कहा रेप के केस में। अच्छा, तो रेप के केस में फंसा है, कितने की जेल हुई है, 9 महीने की जेल हुई थी। तो इसका मतलब दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड। अच्छा, जेल मतलब काटे हुए, सजा काटे हुए कितना दिन हुआ, कहा ये पिछले महीने तो निकला हूं जेल से। तो पिछले महीने जेल से निकला हूं तो जेल काटे हुए अभी उसे 1 ही महीना हुआ है, अभी भी वो कितना, 4 साल 11 महीने और डिस्क्वालिफाइड रहेगा। अच्छा, लेकिन जब 5 साल निकल जाएंगे तब तो वापस क्वालिफाइड हो जाएगा। तो बताओ सर, मिला कितने कंडीशन है इसमें, 4। चलो चारों बोलो। सर वो कोर्ट से कन्विक्ट हुआ है, दूसरा मोरल टर्पिट्यूड के केस में हुआ है, तीसरा 6 महीने तो कम से कम जेल हुई है और जेल पूरा हुए हुए अभी 5 साल गुजरे नहीं है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो वो अभी डिस्क्वालिफाइड है, याद रहेगा। अच्छा, 5 साल पूरे हो गए तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। यहां तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख। आइए, इसका एक प्रोवाइजो है, इसका एक प्रोवाइजो है। अच्छा, जनरली आप मोरल ट्रेपिट्यूड के केस में कितने दिन के लिए डिस्क्वालिफाइड होते हैं, 5 साल। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें जेल हो गई 7 साल या 7 साल से ज्यादा, तो ये तो ज्यादा बड़ा मोरल ट्रेपिट्यूड कर दिया लग रहा है। अगर जेल कितने की हुई है, 7 साल या 7 साल से ज्यादा, तो फिर 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं होगे, जिंदगी भर के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। ये समझ में आया, 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई तो फिर क्या 5 ही साल के लिए डिस्क्वालिफाइड होंगे या जिंदगी भर के लिए, परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन। लिख लो कहीं पे, क्या है ये, परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन। क्लियर है, कोई दुख, कोई परेशानी?
ठीक। तो अगर अच्छा एक बात बताओ, मैंने किसी से पूछा क्या भाई कहाँ, तो कहा बस जेल से निकला हूँ अभी। तो कौन से केस में जेल गए थे? कहा मॉरल टर्पिट्यूड वाला है। कितने महीने की जेल हुई थी? कहा 4 महीने की जेल हुई थी। नहीं लगा, डी पॉइंट नहीं लगा। डी पॉइंट लगने के लिए जरूरी क्या था? 6 महीने की तो जेल हुई। अच्छा फिर से पूछा कितने महीने की जेल हुई थी? वही 4 साल का जेल हुआ था। तो भी आप नॉर्मल में हो, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड रहोगे। कितने साल की जेल हुई थी? वही 12 साल का जेल हुआ है। तो तुम जिंदगी भर के लिए डिस्क्वालीफाइड, अब तुम कभी डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। अब 7 साल की सजा का मतलब काफी हार्श काम करके आए हो तुम। नहीं आगे बढ़े क्या? चलो कितने पॉइंट हो गए? 4 चाहिए, कितने और? 4 आ जाओ। हाँ जी, आपको डिस्क्वालीफाई करने का ऑर्डर किसी कोर्ट ने दिया है या किसी एनसीएलटी ने दिया? अब भाई एनसीएलटी या कोर्ट ने दे दिया तो डिस्क्वालीफाइड ही होना। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर पढ़े होगे, पढ़े हो? कोई डायरेक्टर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट करते हुए नजर आता है तो एनसीएलटी उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है। चलिए आइए, कितना पॉइंट हो गया? ई एफ। एक बात बताइए, कंपनी के अंदर डायरेक्टर फिड्यूशरी पोजीशन में, कम से कम डायरेक्टर तो अपने कंपनी का सम्मान करे। मालूम चला वो डायरेक्टर उस कंपनी का शेयर होल्डर भी है और शेयर था पार्टली पेड अप, तो कंपनी ने पैसा कॉल किया। अब जानते हो ना पार्टली पेड अप शेयर होता है तो कंपनी कॉल करती है। अरे इतना तो जानते हो तुम लोग, कंपनी क्या करती है? कॉल। और देखिए गुरुजी, डायरेक्टर खुद हैं कंपनी के, अब खुद ही कॉल कर रहे हैं, अब पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं, नॉट पेड एनी कॉल। अब बताइए अजीब बात नहीं? देखो बाहर का आदमी ना पे करे समझ में आता है, तुम तो यार कंपनी चला रहे हो, तुमको तो मालूम है कि कंपनी को पैसे की जरूरत है, ऊपर से तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो, कम से कम तुम तो ये अच्छा एग्जाम्पल पेश करो। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा पहले बताइए आप, क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब बताइए, मैं इस कोचिंग का ओनर हूँ, मैं ही बार बार क्लास अबसेंट करूंगा तो मेरे दूसरे टीचर पर क्या असर होगा? मेरे दूसरे टीचर पर क्या असर होगा? तो कम से कम मुझे तो अच्छा होना जरूरी है, तभी तो मुझे देख देख के मेरे बाकी टीचर भी अच्छे होंगे। तो ये अगर मैं बुरा हूं ना तो ये ज्यादा बुरा माना जाएगा, क्योंकि आप ओनर हैं। तो डायरेक्टर कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है और उसने पार्टली पेड अप शेयर लिया है, कंपनी ने पैसा कॉल किया कि भाई कुछ कॉल मनी दो तुम, और मालूम चला तुमने कॉल मनी नहीं दिया, और ऐसा करते हुए कितने महीने गुजर गए? 6 महीने गुजर गए। कहां से? जो लास्ट डेट फिक्स था फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल। इसका मतलब देखो, अभी भी डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए 6 महीना था, लेकिन तुमने 6 महीने भी गुजरने दे दिए, तो इसका मतलब तुम तो एकदम लापरवाह हो। क्या हो? लापरवाह। अब कम से कम तुम डायरेक्टर बनने लायक तो नहीं हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो तो इसका मतलब बताओ, कॉल पे नहीं किया तुरंत डिस्क्वालिफाइड, या 6 महीना है अभी? 6 महीना भी है। 6 महीने के बाद क्या होंगे आप? डिस्क्वालिफाइड, है ना? कितने मासूम बच्चे से मैं बोला, कितने महीने? 6 महीना है। आइए एफ के बाद जी, एफ के बाद जी, जी में आओ। अरे तुम कहाँ फंसे हो? आरपीटी, आज सुबह मैं बोल रहा था 188, सेक्शन 188 बड़ा भयंकर है भाई, इसको पढ़ाने में 2.5-3 घंटा लग जाता है मुझे। जी 2-3 पेज का तो सेक्शन है, मतलब 3 पेज का इकलौता सेक्शन, एक सेक्शन लगातार फुल स्टॉप कॉमा के चल रहा 3 पेज। बच्चा अगर कहाँ से स्टार्ट करूँ? पर मैंने उसके लिए क्या बनाया है? चार्ट। बस चार्ट से खत्म कर दूँ, बर्बाद कर दूंगा सेक्शन को। कौन से सेक्शन को? 188। बड़ा शानदार है, मजेदार है। 188 में तुम कब फंसते हुए नजर आए? पिछले 5 साल। तो इसका मतलब 188 के मामले में तुम्हारा पिछला 5 साल पाक साफ जाना चाहिए। जैसे तुम एक कंपनी में आए डायरेक्टर बनने, इंटरव्यू दे रहे हो, तुमसे पूछा गया क्या 188 भी लगा क्या तुम्हारे ऊपर? कहा हाँ, अभी तुरंत तो केस चल ही रहा मेरे पे। तो 188 का केस चल रहा है तो यहां पे भी आके 188 करोगे? नहीं समझे? अच्छा बोले हाँ केस तो हुआ था 188 का 17 साल पहले, तो कोई बात नहीं, पिछला 5 साल पाक साफ जाना चाहिए। मतलब पिछले 5 साल में 188 का तुम पर केस लगता हुआ नजर आना नहीं चाहिए। 188 क्या है हम पढ़ेंगे आगे। आगे बढ़े, देख लो गुरुजी को डिन ही लेके नहीं आया। आप जानते हो ना डायरेक्टर होने के लिए सबसे जरूरी क्या है? डिन, है ना? और डिन लेके नहीं आए गुरुजी आगे डायरेक्टर बनने के लिए। बताइए सीएस बिना मेंबरशिप नंबर के आगे साइन करने, ये अजीब बात नहीं है? अरे डिन नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए पहले बताओ। तो गुरुजी के पास डिन ही नहीं है, तो डिन नहीं है तो डिन धनाधन दिन करने आए हो तुम? तो डिन नहीं है तो डायरेक्टर नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर के लिए क्या जरूरी है? डिन। सीएस के लिए क्या जरूरी है? मेंबरशिप नंबर। कंपनी के लिए क्या जरूरी है? सिन नंबर। इनकम टैक्स में क्या जरूरी है? पैन नंबर। जीएसटी में क्या जरूरी है? जीएसटीएन नंबर। तो ऐसा लगता है कि माता पिता ने नाम बेकार में रखा है, नंबर ही रख देते तो अच्छा होता। नहीं
नाम से तो सिर्फ अपने लोग पुकारते हैं, सरकार तो हमें नंबर से पुकारती है, नहीं? चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? चलो, एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो किसके लिए? डी ई जी। हाँ जी, कौन? डी ई जी। हाँ जी, कौन? डी ई जी। अब तुम डी देखो, ई देखो, जी देखो, मुझे लगता है तीनों में कोट है, मतलब बिना देखे। यस सर, क्या कॉन्फिडेंस है, मेरा बच्चा सब रहता है बिना देखे। हाँ सर, आपने बोला तो होगा। डी में देखेंगे तो देखिए कोट है, ई में देखेंगे तो कोट है, और जी में देखेंगे तो 188 है, वहां भी कोट ही है। अब चक्कर क्या होता है, जब कोर्ट फैसला सुनाता है ना तो लोग अपील में चले जाते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो हाई कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील। अच्छा एक बात बताओ, अगर अपील में चला गया डायरेक्टर तो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा? जैसे कोर्ट ने फैसला सुना, जा तू डिस्क्वालिफाइड आज के बाद, क्या तुरंत अपील करूंगा? आप गलत डिसीजन दिया, अपील। आप बोलो, देखो जानते हो, कुछ भी जानने के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ो तो प्रोवाइजो पढ़ो। डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा? हाँ, अभी देखा था राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाई कर दिया, घर भर सब छीन लिया, लेकिन वो अपील में गया है अभी, लेकिन डिस्क्वालिफाई तो कर दिया। एक्चुअली क्या है, आप समझते नहीं, भारत देश में क्या होता है, लोग कानून से क्यों नहीं डरते हैं मालूम है? एक कोर्ट फैसला सुनाएगा, हम तुरंत अपील में चले जाएंगे, फिर उस कोर्ट को फैसला सुनाने में 4-5 साल लगेगा, फिर हम अपील में चले जाएंगे, उसको 10-20 साल लगेगा, उससे पहले नेचुरली मर जाएंगे, फांसी की सजा का कोई मतलब ही नहीं। तो लोग ये समझते हैं, इसलिए कहते हैं आप ये सब चलने वाला नहीं। अच्छा सुनो, आप अपील करोगे तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हैं। अच्छा कब डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाओगे? जैसे अपील किए और अपीलेट कोर्ट ने स्टे लगा दिया, स्टे लगा दिया तब बच जाओगे, लेकिन स्टे नहीं लगाया तो तुम बचोगे नहीं। तो सिर्फ अपील फाइल कर देने मात्र से तुम समझोगे तुम बच जाओगे तो सो होने वाला नहीं है। क्या पता तुम अपील करो और अपील में देखा अपीलेट कोर्ट का ठीक तो किया तुम्हारे साथ, जाओ जेल में। अब बताइए, वो सीधा दिख के लग रहा है तुमने सिर्फ अपील क्यों किया था, टाइम काटने के लिए, तो सो होने वाला। आप अपील में चले जाइए तो भी डिस्क्वालिफिकेशन से बचेंगे नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज है, अगर अपील में गए और ऊपर वाले कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, तब स्टे लगा दिया तो बच जाएंगे। अब स्टे तो ऊपर वाला कोर्ट तब लगाएगा जब उसको हल्का सा भी गलती निचले कोर्ट का लगेगा। अगर निचले कोर्ट का उसको हल्का सा भी गलती नहीं लग रहा है तो स्टे क्यों लगाएगा? स्टे लगेगा तो लगेगा ही भाई, स्टे लगा दिया तो तुम क्या कह सकते हो, तो अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन जब तक स्टे नहीं लगेगा तो सिर्फ अपील फाइल कर देने मात्र से तुम बचोगे कि डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाए, तो सो होने वाला नहीं है। याद रहेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, तो मेरे तरफ से 8 पॉइंट कंप्लीट। अब अभी रिवाइज करोगे या दोनों एक साथ? अच्छा अच्छा, पार्ट बाय पार्ट, जैसे कि 2 बार गिफ्ट मिले। ओ ठीक, चलो कोई बात नहीं, रिवाइज करो। 8 पूछता हूं अभी। चलिए आगे चलें। नहीं पूछूंगा, नहीं भी मैं दोनों एक साथ पूछूंगा, जो मैंने वादा किया था उसको निभाऊंगा। मैं बेवकूफ़ हूँ कि 2 बार गिफ्ट दूंगा? अच्छा, अब मैं चल रहा हूँ 164 सबसेक्शन 2। चलिए भाई, 164 सबसेक्शन 2 को समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा अलर्ट हो जाओ, ठीक से बैठो। तो पहले तुम लोग अभी खाना 4-4 किलो खाना खा के बैठ गए हो, एकदम थोड़ा अपने भारी भरकम बॉडी को हिलाइए। चलो चलो, ऐसे ऐसे चलो, ऐसे हाथ मोड़ो, ऐसे हाथ, दूसरे को मत मोड़ो, अपना
कर लिया सबने। अब सुनो 164 सबसेक्शन 2, एक काम कीजिए 164 सबसेक्शन 2 को स्पीड में पढ़ जाइए। शुलू वर्मा पूछी है सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है, मैं उनको बताऊं आने वाले चैप्टर्स में आएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, थोड़ा भावनाओं पे काबू रखिए, सब आएगा और मैं सब पढ़ाऊंगा। पढ़ लिया, चलो इधर देखो 164 सबसेक्शन 2 से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 164 सबसेक्शन 2 है, ऐसे तो देखा जाए मात्र एक सबसेक्शन है, पर सबसेक्शन पे एक रूल बन गया, तो आप सोच लीजिए कि ये सबसेक्शन 2 कितना इंपॉर्टेंट है। चलो देखो तो क्या लिखा हुआ चार्ट देखो, तुम लोग अपने बुक में नहीं देखो प्लीज स्क्रीन पे देखिए। स्क्रीन पे देखने से क्या होता है, फ्लो पता चलता है, तुम पहले नीचे देख लेते हो फिर तुम्हारा वो जो क्यूरियोसिटी है वो खत्म हो जाता है। आइए देखिए 164 सबसेक्शन 2 किसी डायरेक्टर पे नहीं लगता है, ये कंपनी पे लगता है। कौन से कंपनी पे लगता है तो सुनिए, मालूम चला चाहे आप प्राइवेट कंपनी है चाहे आप पब्लिक, समझ लो दोनों पे, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी पे। इसका मतलब हुआ क्या, सो सुनो, गलती डायरेक्टर ने नहीं किया, गलती किया कंपनी ने। अब चूंकि कंपनी ने गलती किया है तो ये तो सब जानता है कि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी से गलती हुआ नहीं होगा, गलती तो डायरेक्टर ही किया होगा, तो फंसता कौन है, डायरेक्टर। अब चक्कर यह है कि एक डायरेक्टर नहीं फंसेगा, कंपनी की गलती के लिए सारे डायरेक्टर फंसेंगे। अभी तक तुम 164 सबसेक्शन 1 में क्या देख रहे थे, इंडिविजुअल डिस्क्वालिफिकेशन था, लेकिन यह कलेक्टिव डिस्क्वालिफिकेशन है। क्या है, कलेक्टिव डिस्क्वालिफिकेशन, तो कहीं लिख लो ये लाइन, कलेक्टिव डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, कलेक्टिव डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, कलेक्टिव डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, कलेक्टिव डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर लिखा। तो पहले ये समझ में आया 164 सबसेक्शन 1 164 सबसेक्शन 2 में क्या डिफरेंस। तो सुनिए, आप उन उस कंपनी के डायरेक्टर थे जिस कंपनी से ये दो पाप हुए, उस कंपनी से ये क्या हुए हैं, दो पाप हुए हैं। देख लो इधर, पाप हुआ है कंपनी से, पर कंपनी तो आर्टिफिशियल है, कंपनी से कैसे पाप हुआ होगा, किया तो डायरेक्टर होगा, और डायरेक्टर क्या होगा तो सारे डायरेक्टर ने मिलकर किया होगा, तो सारे डायरेक्टर ही क्या हो जाएंगे, पापी। अब पापी होते क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालिफाइड, है ना। अब जरा देखते हैं कि इस कंपनी ने ये दो पाप क्या है किए। आई पहला, फाइलिंग नहीं किया। आपको मालूम होगा हर साल हर कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग करनी होती है, उनमें से दो डॉक्यूमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको हम एनुअल फाइलिंग कहते हैं। द फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हर साल फाइल होता है एजीएम से 30 दिन के अंदर, AOC 4। अब मैं साथ साथ बोलता भी रहता हूँ, रिवाइज भी होता रहेगा। और दूसरा एनुअल रिटर्न MGT 7, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी का साइन होता है कि नहीं। ऐसे तो दोनों पे ही हमारा साइन होता है, बैलेंस शीट पे भी हमारा साइन होता है, एनुअल रिटर्न पे भी हमारा साइन होता है। अगर आपने ये दोनों ही डॉक्यूमेंट, अच्छा दोनों ही या दोनों में से कोई भी, कैसे पता चला दोनों में से कोई भी, और में से दोनों में से कोई भी आपने फाइल नहीं किया लगातार कितने साल से, तो भाई चौथे साल में आके तुम क्या हो जाओगे, मतलब तुम्हारी कंपनी पहले डिस्क्वालीफाई होगी और कंपनी के चक्कर में सारा डायरेक्टर क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। तो पहला पाप समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख। आइए अगला, चलिए अगला। मालूम चला तुमने मॉनेटरी डिफॉल्ट किया है, तुमने क्या किया है, मॉनेटरी डिफॉल्ट। अब कहे वो सब मॉनेटरी डिफॉल्ट क्या होता है, आप रुक जाओ, तुम लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो मुझे पता है ना, लेकिन सुन लो मेरी भी बात, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगने दो कि मुझे ज़्यादा पता है। आइए अब मैं बताता हूँ आपको, आप किन किन लोगों से पैसा लेते हो। सर हम शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं, तो शेयर होल्डर के प्रति आपकी क्या मॉनेटरी लाइबिलिटी है, कि अगर तुमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो दो, अगर वो प्रेफरेंस शेयर है तो फिक्स डिविडेंड दो, ये हो गया। आप लेते हैं क्रेडिटर से पैसा तो क्रेडिटर का इंटरेस्ट दो और रीपेमेंट करो। आप डिबेंचर होल्डर से पैसा लेते हैं
तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट दो, डिबेंचर का रिडेम्पशन करो। आप डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं, उसको इंटरेस्ट दो और उसका रिडेम्पशन करो, यही सब है ना मॉनेटरी लायबिलिटी। मालूम चला तुमने ये सब नहीं किया, देखो ये सब लिखा हुआ है, बोलो फेल्ड टू पे डिविडेंड, है ना। उसके बाद जो तुम्हारा लोन होता है उसके ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट, डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट, और लोन का रीपेमेंट, डिपॉजिट का रिडेम्पशन, डिबेंचर का रिडेम्पशन, यही सब वर्ड है ना। आप इसको क्यों पढ़ रहे हो, अपने दिमाग में नहीं रखते हो। जिससे पैसा लिए हैं तो शेयर होल्डर से पैसा लिए तो डिविडेंड देना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर से लिए तो इंटरेस्ट और रिडेम्पशन करना पड़ेगा, क्रेडिटर से लिए हैं तो रीपेमेंट और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिपॉजिटर से लिए हैं तो रीपेमेंट और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और आपने ऐसा नहीं किया। अच्छा, ये सब पेमेंट करने का कोई ड्यू डेट आता होगा, और मालूम चला ड्यू डेट निकल गया, और ड्यू डेट निकले हुए कितना साल निकल गया, एक साल से ज़्यादा, एक साल और एक साल से ज़्यादा। अच्छा एक बात बताओ, अभी भी मुझे पता नहीं 164 जो है थोड़ा दयावान दिखता है, ये तुरंत डिस्क्वालीफाई नहीं करता है, मतलब गलती को सुधारने का मौका देता है। अच्छा बताओ तो कैसे देता है, सर हम चार्ट उतारने में व्यस्त हैं, चार्ट बुक में बना हुआ ना, चार्ट उतारने की जरूरत नहीं है ना, तो समझना है सिर्फ, क्या करना है समझना। तुम पहले वाले में देखोगे जो ए पॉइंट है, मुझे लगता है शायद ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये ए और बी तुम दोनों में देखो, ए में गलती हुआ फिर भी तुमको तीन साल तक छोड़े हुआ है, चौथे साल में जाके किया डिस्क्वालीफाइड, और बी पॉइंट में तुम देखो तुमने पेमेंट वेमेंट नहीं किया और फिर भी एक साल तक वेट किया है, एक साल के बाद तुमको डिस्क्वालीफाई करेगा। अब इतना हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या करोगे बताओ यार, रबर को ज़्यादा खींचोगे तो टूट ही तो जाएगा, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, नहीं का इस बीच में रबर कहाँ, रबर कहाँ है, अरे रबर ही तो है, पहले वाले केस में तीन साल तक का रबर दिया, अब उससे भी ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा डिस्क्वालीफाइड, सेकेंड वाले केस में एक साल का रबर दिया, एक साल से ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा डिस्क्वालीफिकेशन। मैं सब बता रहा हूँ, पहले यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, तो बताइए सुनिए, किसी डायरेक्टर ने कोई पर्सनल गलती की है या वो डायरेक्टर उस कंपनी का डायरेक्टर है जिस कंपनी से ये दोनों गलती हुई है, थोड़ा बोलना सीखो भाई, बोलो तो तुम, ये लैंग्वेज बोलो तो मैंने बोला, कुछ तो इतना कंफ्यूज है, उस कंपनी में का डायरेक्टर का कंपनी में गलती हुई है, ठीक से बोलो, 164 सबसेक्शन 2 उन कंपनीज के डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई करता है जिन कंपनी से ये दो गलतियां हुई हैं, बोल डालो ये लैंग्वेज, तुमने नहीं बोला, मैंने देख लिया तुम्हें, तुमने पहले खत्म कर दिया था। अच्छा एक बार और बोलो, चलो मुझे लगता है याद हो गया तुम लोग को, तो 164 सबसेक्शन 2 समझ में आ गया तुम लोग को, अब हटाऊं मैं इसको, ए बी लिख लिया तुमने अपने चार्ट में, नहीं लिखा ए बी, मैंने देख रहा हूं कहां लिखा ए बी, अच्छा लिखा, ओ चलिए जी, अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और तुमसे तीन चार क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब दोगे, आइए चलो भाई। एक कंपनी ने, अब सिर्फ कंपनी लिखा तो इसका मतलब प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, अरे बोलो, पहला गलती क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न कितने साल से, तीन साल से फाइल नहीं किया, अगला वही हो गया रिपेमेंट पेमेंट ये सब, और ऐसा किए भी कितना टाइम निकल गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाना जो मैं बोल रहा हूँ, मान लो तुम्हारी कंपनी से ये दोनों में से कोई भी गलतियाँ हो गई, क्योंकि दोनों के बीच में और है ना, दोनों में से कोई भी गलती हो गई, ठीक है जी, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, उसका जवाब दीजिए पहले। मान लीजिए ये कंपनी ये है ए लिमिटेड, और इस कंपनी से 164 सबसेक्शन 2 लग गया है इस पे, मतलब 164 सबसेक्शन 2 या तो ए वाला गलती कर दिया हो या बी वाला, मालूम चला इसने किसी में से मान लो ए वाला गलती कर दी, तो इस कंपनी के अभी मान लीजिए 7 डायरेक्टर हैं, तो क्या सातों डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, अभी 7 डायरेक्टर हैं,
तो क्या सातों डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे? नहीं सर, नहीं सर, जो नया है वो है। अरे गलती पुराने वालों ने की है। अच्छा हैं, हाँ जी भाई और उनकी बहनों, क्या सातों डायरेक्टर, मतलब आज की डेट में सात डायरेक्टर हैं, सातों डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे? द आंसर इज यस। अरे सातों डायरेक्टर होंगे ना यार, जितने डायरेक्टर्स हैं, सुन लो मेरे भगवान मेरी बात सुन लो, सुनो, सातों के सातों डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, डिस्क्वालिफिकेशन अलग वर्ड है और वेकेशन अलग वर्ड है। वेकेशन का मतलब नौकरी से निकाल देना, तो क्या सातों डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट हो जाएगा? मतलब सातों डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड, सबको लात मार मार के निकाल दिया, कंपनी सेक्रेटरी आया का उल्टा खड़ा हो, एक दो तीन चार पांच छह सात, गेट बंद, ताला मार दिया, जा निकल, क्या ऑफिस भी वेकेट होगा? ऑफिस वेकेट नहीं होगा, मतलब वो रहेगा, डायरेक्टर रहेगा। क्या पूछना क्या चाहते हैं, जल्दी बोलो। मैं ये पूछ रहा हूं, सातों डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड होगा? द आंसर इज यस। अब मैं ये बोल रहा हूं कि सातों को निकालोगे आज का आज, क्योंकि डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं वो। कितने लोगों को लग रहा है सातों को निकाल देंगे? अब डिस्क्वालीफाइड होगा तो निकाल देंगे, सिंपल सा बात है। डिस्क्वालीफाइड आदमी को रखोगे कंपनी में? बोलो कितने लोगों को लग रहा है कि डिस्क्वालीफाइड को निकाल देंगे? जब तुम लोग हाथ नहीं उठा रहे तो डिस्क्वालीफाइड क्यों किए हो? हाँ एक दो दो मिला मुझे, दो मुर्गा मिला है ना। अच्छा इधर भी है, तीन और चार पांच, कुछ चाहिए होता है मुझे, जो हर क्वेश्चन में कुछ को तो हलाल करूं। बहुत कोशिश किया मैंने कि हम फंसाऊं कुछ को, कुछ मुर्गे फंसे हैं, अब मजा आएगा। हाँ जी कितने थे, चार पांच, अच्छा ठीक है। आइए, अगर आपने सातों डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई किया, इसमें तो आप कुछ नहीं रोक सकते, डिस्क्वालीफाई तो हो गया। अगर आपने ऑफिस भी वेकेट करा दिया तो सातों डायरेक्टर बाहर, तो कंपनी विदाउट डायरेक्टर नहीं हो जाएगी? और कंपनी विदाउट डायरेक्टर तो सांस भी नहीं ले सकती, क्योंकि कंपनी बनते ही, कंपनी बनते ही, कंपनी बनते ही, अगर आप प्राइवेट कंपनी हैं तो दो, ओपीसी हैं तो एक, पब्लिक हैं तो तीन, ये हमेशा होना चाहिए। अब बोलो सर सातों को हटा के अब तुरंत करेंगे अपॉइंट, तुरंत कैसे होता है भाई? तुरंत होने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए भी तो डायरेक्टर चाहिए, जनरल मीटिंग बुलाने के लिए भी तो डायरेक्टर चाहिए, तुरंत क्या मतलब पैदा हो जाएगा वहां पर डायरेक्टर? तो ये पांच छह लोगों ने बोला कि सर हम डिस्क्वालीफाइड भी करेंगे और वेकेट भी करेंगे, ना निकल नौकरी से। अब हम निकालोगे नौकरी से तो कंपनी विल बी विदाउट डायरेक्टर और ये हो नहीं सकता। तो याद रखिएगा, एक अच्छी बात बता रहा हूं, उसको हमेशा याद रखना। जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, याद रखिएगा, सुनिए। डायरेक्टर का वेकेशन नहीं होता, 164 सबसेक्शन 1, 164 सबसेक्शन 2 में यही डिफरेंस है। 164 सबसेक्शन 1 में किसी का पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन है तो वहां ऑफिस वेकेट करा दो, चूंकि बाकी डायरेक्टर तो बचे रहेंगे। यहां पे चूंकि सारे ही डायरेक्टर क्या हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाइड, इसलिए यहां ऑफिस वेकेट नहीं होती है। यहां पर क्या होता है सुनो, जैसे सात डायरेक्टर थे तो ऐसा तो पक्का नहीं है कि सातों ही डायरेक्टर अगले साल रिटायर करने वाला है, कोई अगले साल रिटायर करने वाला होगा दो, तो दो को रिटायर करने देंगे, नॉर्मल चलने देंगे अभी, लेकिन जब रिटायर कर जाएगा तो उसको अगले पांच साल के लिए घर में बैठा देंगे। तुम देखो पांच साल का डिस्क्वालिफिकेशन, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो इससे क्या होगा मालूम है, एकाएक कंपनी में विदाउट डायरेक्टर कोई नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इधर देखो कंपनी में कितने डायरेक्टर थे, सात, सात में से दो अगले साल जो है अगले साल रिटायर होने वाला था, तो जब ये रिटायर हो जाएगा तो इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, अभी कंपनी में पांच, मतलब पांच साल के लिए घर में बैठ जाएगा, समझ में? लेकिन इसका मतलब अभी भी पांच तो बचे हुए हैं, पांच तो बचे हुए हैं ना, पांच में से हो सकता है तीन अगले बार में रिटायर करेगा, लेकिन इतना दिन में, एक बात बताओ, इतने डायरेक्टर मिलके कुछ नए नए भी तो अपॉइंट करते चलेंगे वो, जैसे ये दो दो गया तो दो और ऐड कर लेंगे। तो याद रखना वेकेशन नहीं होगा, उनको रहने दिया जाएगा। हाँ पर ये जरूर है कि जब वो रिटायर करेंगे नॉर्मल ढंग से
तो रिटायरमेंट के बाद रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा उस कंपनी में, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ना ही उस कंपनी में और ना ही किसी और कंपनी में। किसी और कंपनी के लिए वर्ड क्या चलेगा, अपॉइंटमेंट, इस कंपनी के लिए वर्ड क्या चलेगा, रीअपॉइंटमेंट। लेकिन आपका वेकेशन नहीं होगा, चूंकि वेकेशन करा दोगे तो कंपनी विल बी विदाउट डायरेक्टर और ये तो हो नहीं सकता। तो 164 सबसेक्शन 2 में कभी वेकेशन होता नहीं है, याद रहेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख। चलो ये लिखा हुआ चार्ट बना वर्तमान बुक में, बताओ। अब फिर भी 5-6 मुर्गे फंसा लिए मैंने, चलिए आगे चले, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख। हाँ अब सुनो, मुझे लगता है यहां तक मैंने बता दिया, बता दिया ना। अब कुछ प्रोवाइजो, सवारा प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये एक्सेप्शन पर होते, ये वाला जो नहीं पढ़ रहा बेवकूफ है, ठीक पढ़ लिया। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, शांति से सुनना। 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए एक कंपनी पर लगा, तो ये क्लॉज ए तो तब लगा होगा जब तीसरे साल में जाके गड़बड़ी हुआ होगा। पहला साल में नॉट फाइल्ड, दूसरे साल में नॉट फाइल्ड, तीसरे साल में नॉट फाइल्ड, तीसरे साल में मान लीजिए फाइलिंग का जो ड्यू डेट आ रहा था वो आ रहा था 30 अक्टूबर, मान लो क्या रहा था 30 अक्टूबर। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा था, शांति से सुनना। पहले साल में ए और बी और सी डायरेक्टर था, दूसरे साल में भी ए और बी और सी डायरेक्टर था, तीसरे साल में भी ए बी और सी डायरेक्टर था, डी बेचारा नया एंट्री मारा, डी क्या है न्यू एंट्री, न्यू एंट्री मारा और 15 अगस्त को न्यू एंट्री मारा है। तो 15 अगस्त से 30 अक्टूबर का जो डेट है वो कितने महीने हुए, 2.5 महीने हुए। अभी इसका मतलब इस डायरेक्टर को आए हुए 2.5 महीने भी ठीक से नहीं हुए, क्या इसको भी डिस्क्वालिफाइड कर दोगे? वो बोलेगा सर अभी तो आया हूं, सर अभी तो कंपनी का 2.5 महीने से एमओयू उठा के पड़ रहा था, सर कुछ तो टाइम दो, मुझे ये पता भी तो चलना चाहिए कि डिफॉल्ट हो रहा है, नहीं समझे। मान लो आप बोलते हो तुम भी गलत, मैं तब गलत जब मुझे पता हो, अगर मुझे पता ही नहीं है तो फिर मैं कैसे गलत। तो कहा कि तुमको पता क्यों नहीं है, कहा देख नहीं रहो 2.5 महीने हुए हैं भाई, 2.5 महीने में मैं कंपनी में आया, एमओए चेक किया, एओए चेक किया, अभी कंपनी को जान ही रहा था और उतने में आपने उठा के मुझे डिस्क्वालिफाइड कर दिया। तो याद रखिएगा, कोई ऐसा डायरेक्टर जिसको आए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं उसको डिस्क्वालिफाई किया नहीं जाएगा। तो इसका मतलब नए डायरेक्टर को कितना दिन का टाइम देता है सुधारने का, 6 मंथ, अलग उस 6 मंथ में भी नहीं सुधारा तो 7 महीने से वो भी डिस्क्वालिफाइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो नए डायरेक्टर को कितना दिन का टाइम दिया जाता है कंपनी को समझने के लिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है पहले बताइए आप, ये याद रहेगा। सब कुछ समझ में आ रहा है प्रोवाइजो, सब पे एग्जाम में केस बना के क्वेश्चन आएगा, सीधा थोड़ी आएगा। चलिए बाकी बस सरकार देख ही रहे हो, पूरा 164 सबसेक्शन 2 किस पर नहीं लगेगा, सरकारी कंपनी पर नहीं लगेगा। इसलिए बोलता हूं सरकारी कंपनी में जाइए, सरकारी दामाद बन के रहिए, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी करो कोई देखने वाला नहीं, याद रहेगा। चलिए 164 सबसेक्शन 1 भी खत्म, 164 सबसेक्शन 2 भी खत्म। अब इसके ऊपर एक रूल बन गया है, रूल का नाम बोलो, बोलो रूल का नाम बोलो, ठीक है आइए। नाम से लग रहा है कि ये डिसक्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर रूल है ना। आइए एक बात बताइए कि कोई भी आदमी को आपने डायरेक्टर के लिए बुलाया कि आपका इंटरव्यू लेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो 164 सबसेक्शन 2 में फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ है? जैसे हो सकता है कि कोई डायरेक्टर एक ऐसे कंपनी का डायरेक्टर हो जहां पे 164 सबसेक्शन 2 लगा, वहां से डिस्क्वालिफाइड हुआ और तुम्हारे यहां एकदम मासूम बन के आ गया डायरेक्टर बनने के लिए और तुमको ये बात पता ही नहीं है कि वो डिस्क्वालिफाइड, तो तुमको कैसे मालूम चलेगा कि सामने वाला आदमी 164 सबसेक्शन 2 के अंदर डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं? उस डायरेक्टर पे ही जिम्मेदारी है कि जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे, जब भी आप किसी कंपनी में डायरेक्टर का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको खुद एक फॉर्म है, फॉर्म का नाम बताओ, DIR 8 में खुद ही बताना पड़ेगा
कि मैं 164 सबसेक्शन 2 में डिस्क्वालिफाइड हूं या नहीं। अगर होगा तो बोल देगा डिस्क्वालिफाइड हूं, नहीं है तो बोलेगा मैं डिस्क्वालिफाइड हुआ था पर 5 साल गुजर चुके हैं, नहीं समझे। तो डिस्क्वालिफिकेशन का एक डिक्लेरेशन उसको खुद ही देना पड़ेगा, कौन से फॉर्म में, DIR 8। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये समझ में आई लाइन, कि जब भी कोई डायरेक्टर किसी कंपनी में अपॉइंट होने या रीअपॉइंट होने जाएगा तो वो खुद ही कंपनी को बताएगा अपना डिस्क्वालिफिकेशन का स्टेटस, है ना, कौन से फॉर्म में, DIR 8 में। दिक्कत तो नहीं है कुछ भी, आगे बढ़े अगला। अच्छा, कंपनी 164 सबसेक्शन 2 में फंस गई, इसका मतलब कंपनी से गलती हो गया, तो एक बात बताइए, क्या कंपनी खुद ही बताएगी आरओसी को कि देखिए मैं डिस्क्वालिफाइड हो चुकी हूं और मेरे ये डायरेक्टर हैं, अब इनसाइड डायरेक्टर का नाम चढ़ा लो डिस्क्वालिफाइड में अपने आप। बोलो, क्या कंपनी खुद बताएगी आरओसी को? यस, जहां कंपनी पर लगा 164 सबसेक्शन 2, कंपनी तुरंत तुरंत कौन से फॉर्म में, DIR 9 में, है ना, किसको बताएगी, आरओसी को बताएगी। क्या बताएगी, कि सर ये हमारे डायरेक्टर्स हैं जो इन रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में डायरेक्टर रहे थे, अभी देखा था 3 साल तक में, 3 साल में कौन था, ABC, 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 और बेचारे डी आया था, 6 महीने भी नहीं होता, डी का नाम नहीं लिखेगा, किससे लगेगा, ABC, ABC, ABC का नाम लिखा जाएगा। सर ये सब थे और इनको अब आप डिस्क्वालिफाइड समझो और आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल में चढ़ा लो, जिससे कि पब्लिक को भी पता चल सके कि ये आदमी, ये जो डायरेक्टर से ABC, ये हमारे यहाँ से क्या हो चुके हैं, डिसक्वालीफाइड। तो कोई नई कंपनी भी इसको अगले 5 साल तक अब अपने यहाँ डायरेक्टर ना बनाए, और आरओसी इसको क्या करेगा, DIR 9 को क्या करेगा, बोलो, अपने वेबसाइट पर डाल देगा, एमसी के वेबसाइट पर, एमसी के वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, वो पता चल जाएगा कि आदमी डिसक्वालीफाइड है या नहीं। तो क्या पब्लिक को भी पता चल जाएगा, कौन बताएगा, कंपनी किसको, आरओसी को, आरओसी डाल देगी कहाँ, डॉक्यूमेंट फाइल में, डॉक्यूमेंट फाइल तो एमसीए की वेबसाइट पे कोई भी चेक कर सकता है कंपनी का, कोई दिक्कत। चलिए, कितने दिन के अंदर करना है ये चीज, बोलो, और ये फाइलिंग करना किसकी जिम्मेदारी, ऑफिसर, और उस ऑफिसर में सबसे पहले कौन है, कंपनी सेक्रेटरी। तो याद रखना, कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि ये फाइलिंग करे, अगर कंपनी सेक्रेटरी, चूंकि बहुत बार कंपनी भी तो मिल सकती है डायरेक्टर के साथ, जैसे कंपनी से गलती हुआ और कंपनी ने फाइलिंग नहीं की अपने डायरेक्टर को बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए, डायरेक्टर को बचाने के लिए, तो इसलिए बोल दिया है कि अगर फाइलिंग नहीं हुआ तो जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट हैं उनको ही हम क्या मानेंगे, गलत, और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, याद रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी आदमी डिसक्वालीफाइड हो गया 164 सबसेक्शन 2 के अंदर, लेकिन बेचारा का मैलाफाइड इंटेंशन नहीं था, हो सकता है कि उसको 6 महीने से ज़्यादा हुआ आए हुए, लेकिन फिर भी वो उतना नहीं समझ पाया, तो क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन को हटवा भी सकता है? सरकार के पास जाइए, क्षमा प्राप्ति के लिए जाइए, कौन से फॉर्म में, DIR 10 में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको क्षमा कर दिया तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन खत्म, आप वापस क्या हो जाएंगे, क्वालिफाइड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्वालिफाइड। तो क्या 164 सबसेक्शन 2 के डिस्क्वालिफिकेशन को हटाया भी जा सकता है? कौन हटाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, कब हटाएगा, जब DIR 10 उसके सामने आप लेके जाएंगे तब, कोई दिक्कत। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, कितने डिस्क्वालिफिकेशन हो गए दोनों मिला के, 164 सबसेक्शन 1, 164 सबसेक्शन 2, 10, 8+2। अच्छा, कोई प्राइवेट कंपनी है तो याद रखना वो अपने आर्टिकल में इस 10 के अलावा भी क्या लिख सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब वो अपने यहाँ और भी ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन लिख सकती है, पर पब्लिक कंपनी ये 10 के अलावा कोई और डिस्क्वालिफिकेशन लिख नहीं सकती। तो प्राइवेट कंपनी तो ऐसे ही प्राइवेटली हेल्ड है, वो अपने मर्जी से चलती है, तो प्राइवेट कंपनी को लगता है कि नहीं और भी डिस्क्वालिफिकेशन होने चाहिए हमारे यहाँ, तो वो अपने आर्टिकल में इस 10 के अलावा भी डिस्क्वालिफिकेशन लिख सकती है, पर पब्लिक कंपनी ऐसा कर नहीं सकती। पब्लिक कंपनी के अंदर तो सिर्फ यही 10 डिस्क्वालिफिकेशन होंगे, 164 सबसेक्शन 1 एंड 164 सबसेक्शन 2। तो ये फैसिलिटी किसको है, ओनली टू द प्राइवेट कंपनी, याद रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो भाई, ये भी हो गया खत्म, अब हम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में तो टाइम लग जाएगा, है ना, तो हम GST स्टार्ट करें फिर, GST स्टार्ट करें, ठीक है, तो GST स्टार्ट करते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा, क्वेश्चन भी तो पूछना था सबसे, पूछूं ना पूछूं या अगली क्लास में पूछूं,
अगली क्लास में पूछूं है या अभी पूछूं? अगली क्लास में पूछूं। चलिए ठीक है, अगली क्लास में पूछूं।